जो सवाल अभी हमारे मन में है, यही सवाल कभी बेंजामिन फ्रैंकलिन के मन में उठे थे, जिनका जवाब उन्हें अपने 1752 से 53 के प्रसिद्ध काइट एंड की प्रयोग से मिला। ये निचोड़ निकला कि आसमान में गरज के साथ जो प्रकाश कौंधता है वो बिजली है। आखिर ये बिजली कैसे पैदा होती है? तूफानी बादलों में विद्युत आवेश पैदा होता है। इनकी निचली सतह ऋणावेशित और ऊपरी सतह धनावेशित होती है। धरती पर भी धनावेश पैदा होता है। धन और ऋण एक दूसरे को चुंबक की तरह अपनी अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जब संचित आवेशों का परिणाम अत्यधिक हो आता है तो विद्युत की कमजोर चालक होते हुए भी वायु आवेशों के प्रवाह को रोक नहीं पाती। फिर दोनों आवेश मिलते हैं और प्रकाश की चमकीली धारियां या कौंध और तेज कड़कड़ाहट की ध्वनि पैदा होती है। ये विद्युत विसर्जन प्रक्रिया है जो दो या दो से अधिक बादलों के बीच या बादलों और धरती के बीच होती है। बिजली नहीं बनती और कड़कती है, और ये खास करके बादल होते हैं जिनको हम क्यूमुलोनिम्बस बादल कहते हैं। ये क्यूमुलोनिम्बस बादल जो है, निम्बस का मतलब होता है रेन बेयरिंग क्लाउड्स, और ये क्लाउड जो है वर्टिकली ग्रो करते हैं, करीब करीब 2 किलोमीटर से लेकर करीब 15-16 किलोमीटर तक ऊपर उसकी ऊंचाई हो सकती है, और बहुत मतलब उसमें काफी मात्रा में पानी भी रहता है। और दूसरी उसकी खासियत क्या रहती है इन बादलों में, इनमें अप ड्राफ्ट यानी बहुत तेज हवाएं नीचे से ऊपर की ओर जाती हैं और बहुत तेज हवाएं ऊपर से नीचे की ओर आती हैं, जिनको डाउन ड्राफ्ट कहते हैं। तो यानी कि डाउन ड्राफ्ट और अप ड्राफ्ट इसमें रहते हैं। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि कहते हैं जब ये डाउन ड्राफ्ट और अप ड्राफ्ट जाते हैं, उनके घर्षण से जो अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, आइस पार्टिकल्स होते हैं, उनके घर्षण से जो है आपके जो है चार्ज पैदा होता है और चार्ज सेपरेशन भी होता है। तो ये जो चार्ज सेपरेशन होता है उसी के चलते जो है आप ये देखते हैं कि कहते हैं जो बिजली कड़कती है। ये कितनी शक्तिशाली होती है? आमतौर पर इसमें 17,000 से 27,000 डिग्री सेल्सियस ताप होता है, जो कि सूर्य की सतह से 5 गुना ज्यादा है। इसकी चपेट में आने से मनुष्यों जानवरों की मौत हो सकती है, पेड़ टूट जाते हैं या जल जाते हैं। बिजली कब गिरती है? आसमान में लगभग हर सेकंड 1800 विद्युतीय उत्पाद पैदा होते हैं, जिसकी गर्जना विश्व में कहीं ना कहीं जरूर सुनाई देती है। इनमें से प्रति सेकंड लगभग 600 कौंधे पैदा हो रही हैं, जिनमें से 100 धरती को भी छू रही हैं। यानी हर दिन लगभग 85 लाख बिजलियां धरती पर टूटती हैं। जमीन पर सूर्योदय की अपेक्षा सूर्यास्त के समय अधिक बिजली गिरती है, और गर्मियों में सर्दियों की अपेक्षा अधिक बिजली गिरती है। आकाशीय बिजली चमकने और गिरने का पूर्वानुमान करने के लिए भारत मौसम विभाग की ओर से देश के चुनिंदा 20 स्थानों में सेंसर ट्रैक प्रणाली स्थापित की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, जिसके तहत भारत मौसम विज्ञान विभाग आता है, उसने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी जो पुणे में है, उसके साथ भी मिलकर खासकर हमारे जो दक्षिण पश्चिम भारत है, जो खासकर केरला का सटा हुआ तमिलनाडु, वहां पर भी एक नेटवर्क तैयार करा है। लाइटनिंग डिटेक्शन जो नेटवर्क का एरे है वो तैयार किया है। बिजली से कैसे बचे? तड़ित की स्थिति में तुरंत निकट के किसी घर में शरण लें। यदि खुले में हो तो जमीन पर बैठकर सिर आगे झुका लें और घुटने बाहों में खींच लें। पानी में हो तो तुरंत बाहर निकल आए। धातु की वस्तुएं दूर झटक दें। दरवाजे, खिड़की, रेडिएटर और बिजली के चूल्हे आदि से दूर रहें। इस प्राकृतिक घटना के क्या मायने हैं? पीटर वाइमिस्टर की द लाइटनिंग बुक के मुताबिक अधिकांश वैज्ञानिक आज इस बात से सहमत हैं कि बिजलियों के टूटने से धरती का विद्युतीय संतुलन बना रहता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने ये संकेत भी दिया है कि आकाशीय बिजली की जीवों के विकास में भूमिका हो सकती है।